नमस्कार। एक सुखी जीवन की राह दिखाते इस कार्यक्रम ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, ऊर्जा में फिलहाल बात चल रही है धर्म के दूसरे स्टेप समाधि की। समाधि, ये शब्द सुनते ही हमें साधु संत याद आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सामान्य लोग ये नहीं कर पाएंगे। ये जो नेचुरल सांस पर ध्यान करने की बात है, ये कुछ नई सी लगती है। तो आइए इसी विषय पर जानकारी पाते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयनका जी से। गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माताजी। गुरुजी, पिछली बार आपने सम्यक समाधि के बारे में बात की, ये क्या होता है? बेटी, समाधि और सम्यक समाधि में बहुत बड़ा अंतर होता है। समाधि तो चित्त एकाग्र हो जाए तो उसे समाधि कहेंगे। किस आलंबन पर हो रहा है? अगर किसी कल्पना के आधार पर चित्त एकाग्र हुआ, किसी शब्द को दोहराते दोहराते हुआ, किसी आकृति का ध्यान करते करते हुआ, तो हम सच्चाई के साथ नहीं हैं, हमारी कल्पना के साथ हैं। और अगर हम ऐसा आलंबन लेते हैं जो अपनी अनुभूति में उतर रहा है, तो जैसे सांस का आलंबन लिया तो सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, हम उसका अनुभव कर रहे हैं। और इसका अनुभव करते हुए न राग जगाते हैं न द्वेष जगाते हैं, तो चित्त कुशल है, अकुशल नहीं है। तो कुशल चित्तस्य एकाग्रता, ऐसी एकाग्रता जो कुशल चित्त से की जाए, उसमें एक अकुशल वृत्ति ना हो। ध्यान करते वक्त अकुशल वृत्ति है तो वो सम्यक नहीं। तो कुशलता के साथ हमारा चित्त एकाग्र हो तो समझो कि समाधि सम्यक होती जा रही है। गुरुजी, हमारा आलंबन सही है या नहीं, ये हम कैसे जाने? बड़ा आसान है बेटी। जिस किसी आलंबन को प्रयोग में लिया जाए और देखें कि उससे राग जाग रहा है, द्वेष जाग रहा है, या मोह मूढ़ता जाग रही है, कोई कल्पना जाग रही है, तो सही नहीं है। और सच्चाई के साथ है तो राग नहीं जागेगा, द्वेष नहीं जागेगा, मोह नहीं जागेगा, तो कुशल है। एक बगुले को देखा होगा तालाब के किनारे एक टांग पर खड़ा है, कितना समाधिस्थ है, सारा ध्यान पानी में। पानी में कोई तैरते हुए मछली दिख जाए, हड़प कर ले, समाधि उसकी। किसी शिकारी को देखा होगा अपनी दून वाली बंदूक पर कैसे ध्यान लगाए बैठा है, सामने से कोई शिकार दिख जाए और धाएं मार दे उसको, ये समाधि हो सकती है बेटी, सम्यक समाधि नहीं। क्योंकि लक्ष्य क्या है? अगर लक्ष्य ये है कि हमको अपने चित्त को निर्मल करना है, ये राग रंजित रहने वाला चित्त कैसे वीतरागी बने, मोह विमूढ़ित रहने वाला चित्त कैसे वीत मोह बने, तो हमने सांस का आलंबन इसलिए लिया कि इसके प्रति न राग जागता है न द्वेष जागता है। सांस आता है तो हम नहीं कहते कि ओ रहा है, और जाता है तो नहीं कहते चला जाए, जैसा है वैसा है, उसे हम देख रहे हैं केवल, तो समाधि अपने आप सम्यक होती चली गई। गुरु जी, क्या सचमुच सांस पर मन टिकाने का काम सब कर सकते हैं? बेटी, जब आदमी ये दृढ़ निश्चय करता है कि मुझे मेरे मन को सच्चाई के आधार पर एकाग्र करना है, तो देखेगा सफलता मिलने लगे। क्योंकि अपने भीतर जो हो रहा है उसको साक्षी भाव से जान रहा है, देखेगा कि ध्यान करते करते मन भटक गया, फिर कोशिश की, फिर भटक गया, फिर कोशिश की, तो परिश्रम है, पुरुषार्थ है, युद्ध है अपने आप के साथ। हमारा शरीर कमजोर हो जाए और चलते हुए डगमगाएं, तो कुछ समझदार हमें कहेगा कि अपने शरीर की कसरत कर, इसे दृढ़ बना, सबल बना, तो अच्छा जीवन जी पाएगा। ऐसे हम खुद देखते हैं, अरे मेरा मन कितना दुर्बल है, कितना दुर्बल है, कितना डगमगाता है, तो इसे सबल बनाना है।
तो सबल बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। और सबल यही कि मन भटका कि वापस सांस पर ले आए, खूब देखेगा कि चित्त की चाल विचित्र है, झट नभ झट पाताल, कहां कहां भटकता है, इधर से उधर इधर से उधर, कहां कहां भटका, लेकिन सांस सांस को देखते मंद पड़े चित्त चाल। जैसे जैसे वो दृढ़ है कि मुझको सांस देखना है, मुझको सांस ही देखना है, फिर ले आता है, मन भटकता है, फिर ले आता है, यूं ले आते देखता है कि उसकी जो भटकने की आदत थी वो कम होने लगी, उसकी चाल मंद पड़ने लगी। तो ये प्रयत्न करना पड़ता है और प्रयत्न करने से सफलता मिलती है। लक्ष्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए कि हम सांस को इसलिए देख रहे हैं कि हमको सांस के सहारे सहारे शरीर और चित्त की सच्चाई को जानते जानते, शरीर और चित्त के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उसके प्रति राग है, जो द्वेष है, वो कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, चित्त कैसे निर्मल हो, यूं आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं। परिश्रम तो करना होता ही है जी। गुरु जी, मन को सच्चाई के आधार पर एकाग्र करने की जो बात है आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाई। आपकी बात सुनकर तो मुझ में भी विश्वास जाग उठा है कि शायद मैं भी ये कर पाऊं। अवश्य कर पाओगी। गुरु जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है हमारे शो ऊर्जा में। गुरुजी, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि सम्यक समाधि क्या होती है, ये भी जाना कि सांस पर मन का टिकाना क्या होता है, और ये हम सब कर सकते हैं। तो गुरुजी, आप बताइए कि आगे का काम कैसे होगा? आगे का काम अपने आप होता चला जाएगा बेटी। लक्ष्य ये कि हम इस क्षण की सच्चाई को तटस्थ भाव से जान रहे हैं। सांस आया तो आया, गया तो गया, लंबा है तो लंबा, ऊंचा है तो ऊंचा, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, ना उसको अच्छा मानते हैं ना उसको बुरा मानते हैं, जैसा है वैसा है। यूं जब हमारा मन स्थिर हो करके, समता में स्थिर हो करके सांस को देखता चला जाएगा, जानता चला जाएगा, तो अपने स्वभाव से सांस धीमा पड़ता जाएगा। तो जैसे जैसे सांस धीमा पड़ता चला गया, सांस धीमा पड़ता चला गया, उसके साथ मन भी हमारा सूक्ष्म होता चला गया, सूक्ष्म होता चला गया। तो मन जैसे जैसे सूक्ष्म होता चला जाएगा, संवेदनशील भी होता चला जाएगा और सच्चाइयों को अनुभव करना शुरू कर देगा। प्रतिक्षण ये सारा शरीर, प्रतिक्षण इसमें कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, जीव रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहती है और उसकी वजह से भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ होती है। अब जैसे जैसे चित्त एकाग्र होता चला गया, सत्य के साथ एकाग्र होता चला गया, वैसे वैसे शरीर और चित्त के बारे में और गहराई से जानने लगे, और गहराई से जानने लगे, तो ये शरीर में क्या हो रहा है इसको जानने का काम शुरू कर दिया। चित्त को एकाग्र किया किसी शब्द के सहारे, किसी आकृति के सहारे, किसी फिलॉसफी के सहारे, तो एकाग्र तो हो गया, लेकिन हमारे भीतर क्या हो रहा है, हमको अपने भीतर अपनी सच्चाई को जानना है। हम किसी कल्पना में अपने मन को एकाग्र कर लेंगे तो अपने बारे में कैसे जाने, हमारे भीतर राग जागता है कि द्वेष जागता है, ये कैसे जानेंगे, क्योंकि इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब इस ओर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि कोई ऐसा विकार जागा जिससे हम व्याकुल हुए, तो मेरे भीतर ये खूट है, ये दुर्गुण है, तो ये दुर्गुण है, इसे दूर करना है, तो इस रास्ते अपने आप दूर होता चला जाएगा। देखिएगा, ये दुर्गुण तो मेरे मन में नहीं है, नहीं है तो मन के सारे दरवाजे बंद, ये दुर्गुण आने जाए, फिर देखेगा अपने को ही देखना है, देखेगा मेरे भीतर ये सद्गुण है, अच्छे गुण है, तो गर्व में नहीं डूब जाना है, घमंड में नहीं है, अच्छी बात है, तो जो है उसको संभाल के रखेंगे और देखेंगे ये सद्गुण तो नहीं है, तो ये सद्गुण नहीं है तो आना चाहिए, मन के सारे दरवाजे खोलेंगे, ये आना चाहिए। बस परिश्रम के ये चार ही अर्थ हैं, जो दुर्गुण है उसे कैसे दूर करें, बढ़ने ना पाए, जो दुर्गुण नहीं है वो आने ना पाए, जो सद्गुण है उसे कैसे संभाल के रखें, उसका बढ़ावा करें, जो सद्गुण नहीं है उसको कैसे ले आए, ये चारों अपने आप होने लगेंगे। जैसे जैसे सांस को देखते 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 सूक्ष्म होने लगेगा तो अपने आप मालूम होगा कि देखिए दुर्गुण जागा ना,
देख ये जो अनुभूति हुई इससे राग जगा और राग जगा तो मैं व्याकुल हो गया। ये अनुभूति हुई इससे द्वेष जगा, द्वेष जगा तो मैं व्याकुल हो गया। और व्याकुल कौन होना चाहता है? हर आदमी सुख शांति का जीवन चाहता है, लेकिन भीतर से कितना दुखी है, कितना व्याकुल है, अब स्वयं अनुभूति से जानने लगा। तो उसको जानते जानते अपने आप स्वभाव बदलना शुरू हो गया। देखा कि राग जगाते ही मैं व्याकुल होता हूँ, द्वेष जगाते हैं व्याकुल होता हूँ। राग न हो तो मेरी व्याकुलता दूर हो जाती है, द्वेष न हो तो मेरी व्याकुलता दूर हो जाती है। इतनी सच्चाई उपदेशों वाले नहीं है, हमारा अनुभव कह रहा है, हमारा अनुभव कह रहा है, और अनुभव भी गहराई में कह रहा है। चित्त की जड़ों पर जाकर के ये अनुभव कर रहे हैं, देख ये राग जागा और हम व्याकुल हुए, ये द्वेष जागा और हम व्याकुल हुए। और व्याकुल कोई नहीं होना चाहता, तो अपने आप उस पर संवर होगा। नहीं राग नहीं, नहीं द्वेष नहीं, जो कुछ अनुभव हो रहा है, अरे ये अनित्य है, ये नश्वर है। कितना ही सुखद अनुभूति क्यों न हो, हमेशा रहने वाली नहीं है, समय पाकर समाप्त हो जाती है। कितनी दुखद क्यों न हो, हमेशा रहने वाली नहीं है, समय पाकर के समाप्त हो जाती है। ये सच्चाई अनुभूति पर उतर रही है, वो उपदेशों की बात नहीं है, अनुभूति पर उतर रही है, अनुभूति पर उतर रही है। अपने आप स्वभाव बदल रहा है, बस ये स्वभाव पलटना है। इसलिए हमने सच्चाई का आलंबन लिया, सांस का आलंबन लिया, ताकि और सूक्ष्म सच्चाइयों की ओर बढ़ते चले जाए। जी गुरु जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। अगर हर व्यक्ति अपने सद्गुण और दुर्गुण जान ले तो वो अपने जीवन को पूरी तरह से सुधार सकते हैं। गुरु जी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है आप सबका ऊर्जा में। गुरु जी आपने हमें समझाया कि हम अपने भीतर की अच्छाइयाँ कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी समझाया कि दुख और बुराइयाँ कैसे दूर किए जा सकते हैं। गुरु जी गणेश चतुर्थी के अवसर पर हमारे दर्शक गणेश जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। बेटी गणेश जी के बारे में पहले बहुत कुछ कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी और थोड़ी सी बातें विस्तार से कह लूंगा। पुराने जमाने में भारत में गणराज्य होते थे, और ये किसी राजा के राज से गणराज्य ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे। तो गण का कोई ईश हो वो गणेश, गण का पति हो वो गणपति, गण का अधिपति हो वो गणाधिपति, तो ये गण के मालिक है। तो पहली बात तो कि वो गणपति है इसलिए महान है। तो कहा गणानंत गणपति गंग वामहे, ये महान इसलिए है कि गणपति है। और फिर कहा निधिनांत्वा निधिपति गंग वामहे, जो निधि है उसे संभाल के रखेगा तो निधिपति है। अपने यहां पुराने समय से एक बात चली आई, फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। राजा धार्मिक हो जाए तो राष्ट्र में बहुत समृद्धि आए, वृद्धि आई, सिद्धि आई, समृद्धि आई, इन सब को संभाल कर रखेगा, क्योंकि वो धार्मिक है। और धार्मिक राजा कैसा होता है? उसमें प्रजा वत्सलता है, प्रजा को अपने संतान की तरह माने, जैसे अपने संतान को प्यार करता है, अपने संतान की रक्षा करता है, वैसे अपनी प्रजा की रक्षा करता है। राजा रक्खतु धम्मेन अत्तनो वै पजंग पजंग, अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह रक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है, सुखी रखता है। देश में समृद्धि हो रही है तो कितना खुश होगा। जैसे कोई पिता कोई माता अपने संतान को सुखी देख के मोद से भर जाते हैं, ऐसे ही ये मोद से भरा रहता है, मेरी प्रजा कितनी सुखी है, कितनी सुरक्षित है, तो कितना मोद है। उस मोद के मारे एक प्रतीक दिया, मोदक दिया हाथ में। क्या मोदक है, माने ये मोद ही उसका आहार है। तो प्रियानांत्वा प्रियपति गंगवा महे, ये सारे प्रिय हैं, मेरे संतान है, तो इनका प्रियपति, इनका राज करता हूं इन पर मैं,
तो इनको मुदित देख करके मैं मुदित होता हूं। इनके लिए मैं क्या करूं? राष्ट्र की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु कहीं नष्ट न होने पाए। छोटी से छोटी वस्तु भी उसका अपना मूल्य है, उसे संभाल के रखा जाए, उसकी भी अपनी कीमत है। ऐसा एक आदर्श गणपति। तो हम केवल नमस्कार करके रह जाए, हे गणपति महाराज हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए, तो समझे ही नहीं क्या दीजिए। हम उनके गुणों को याद करें और वैसे गुण आए हमारे अंदर, खास करके जिन लोगों पर राज्य चलाने की सत्ता का भार है, उनको तो गणेश जैसा गुण उनमें आए तो उनका भी कल्याण हो, देश का भी कल्याण हो। तो जो भी देश का संचालन करने वाले हैं, गणपति हैं, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए, लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। गण है, सबकी जिम्मेदारी है। बस इस तरह से गणेश के गुणों को याद करके अगर हम गणेश चतुर्थी मनाएं या कुछ ही मनाएं, बड़ी अच्छी बात है, होना ही चाहिए। बाकी आमोद प्रमोद अपनी जगह, लेकिन जो गुण है उनको समझें, उनको याद करें, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, तो गणपति की पूजा सार्थक हुई। दर्शकों, अगला हिस्सा आप ही के प्रश्नों पर आधारित है, तो जाइएगा नहीं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं हिमांशु वोरा जबलपुर से। वो पूछते हैं कि मेरे मन में तो कई तरह के विचार आते हैं, ना तो मैं कुछ बोलता हूँ, ना कुछ ऐसा वैसा करता हूँ, क्या तब भी मेरे कुछ कर्म संस्कार बनेंगे? जरूर बनेंगे। मन में विचार अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। तेरे मन में अच्छे विचार आए तो बोले क्यों नहीं, उसे वाणी पर उतारे, शरीर के कर्म में उतारे। अच्छे विचार हैं, उनको वाणी में प्रकट करे, उसको शरीर में प्रकट करे, बहुत अच्छी बात। तेरा भी कल्याण और जो काम किया उससे औरों का भी कल्याण। मन में बुरे विचार आए, तूने रोक लिए, वाणी पर नहीं उतरने दिया, अच्छा किया। अच्छा केवल इस माने में किया कि किसी अन्य की तूने हानि नहीं की, पर बुरा ये किया कि तूने अपनी हानि कर ली। जब मन में विचार, बुरे विचार जागे, द्वेष के विचार जागे, दुर्भावना के विचार जागे, तो तूने कर्म संस्कार बनाने शुरू किए। मन का कर्म ही तो कर्म है, और मन में तो द्वेष जगाया जा रहा है, मन ही मन तो संस्कार बनाया जा रहा है। बनाए और समाप्त कर दिए, बहुत अच्छी बात की। तो संस्कार बने, फिर भी पानी पर लकीर जैसे बने, बने वैसे खत्म हुए, बने वैसे खत्म हुए। कुछ देर चले, कुछ देर चले तो जैसे बालू पर लकीर जैसे, तो कुछ अधिक समय तक वो कायम रहे। लेकिन बहुत देर तक केवल यही चिंतन चलता रहा, यही चिंतन चलता रहा, जो सचमुच किसी को गाली देते वक्त तुम्हारे मन में चलता है, किसी की हत्या करते वक्त तुम्हारे मन में चलता है, तो मन का संस्कार तो वैसा ही है, खूब गहरा। और कितनी देर तक वैसे विचार तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, उतने तुम्हारे कर्म संस्कार गहरे होते जा रहे हैं, पत्थर की लकीर जैसे, वो बड़ी खतरनाक। ये पानी की लकीर तो उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई, बालू की लकीर भी इस जन्म में जितने बनी अधिकांश यहीं समाप्त हो गई, थोड़ी बहुत के साथ गई होगी तो गई होगी। पत्थर की लकीर, एक एक लकीर हमारे लिए नया जन्म देने वाली, मृत्यु के समय न जाने कौन सी पत्थर की लकीर अपना सिर उठाएगी, और अगला जीवन बिल्कुल उसी प्रकार का होगा। और ये दुर्भावना की लकीर बनाई थी तो अगला जीवन दुख से भरा हुआ होगा। तो इसके लिए सजग रहे कि कहीं मैं बोल तो नहीं रहा, शरीर से दुष्कर्म तो नहीं कर रहा, लेकिन मन में देख क्या पैदा कर रहा हूं, विकार भी दुष्कर्म के विकार पैदा कर रहा हूं, उससे अपने आप को बचाना है, उससे रोक लगानी है। और इस साधना में पकोगे तो रोक अपने आप लगती चली जाएगी। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं बलराज कुमार जी कन्याकुमारी से। वो पूछते हैं कि कृपया संस्कार शब्द को स्पष्ट करें। संस्कार के माने कुछ बनना, कुछ बनाना। तो जो हमारा चित्त बना रहा है कुछ, उसको संस्कार कहें, उसी को कर्म संस्कार कहें। हम अपने भीतर क्या बना रहे हैं, किस तरह के कर्म बना करके कैसा बीज तैयार कर रहे हैं, वैसा फल आएगा। तो कर्म संस्कार
अच्छा कर्म संस्कार भी हो सकता है, बुरा कर्म संस्कार भी हो सकता है। अपने को जांचना है कि कहीं बुरा कर्म संस्कार न बना ले, अच्छे कर्म संस्कार बनाए। गुरुजी, आपने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए। आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी। सुखी हो बेटी। प्रणाम माता जी। तो दर्शकों, ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर। इसी तरह आप अपने प्रश्न हमें जरूर लिख भेजें। हमारा पता है, ऊर्जा, जी नेटवर्क, पोस्टबैक नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 99, इंडिया, TVC। ईमेल response@znetwork.com। दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए। ऊर्जा, नमस्कार।